दोस्तों आज की इस वीडियो में हुंडई टूटन स्मार्ट प्लस हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का फुल जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप इस मशीन का सब जानकारी बहुत आसान से मिल जाएगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन सिस्टम का जानकारी। दोस्तों इस मशीन में कमिंस कंपनी का इंजन लगा हुआ है। इसका इंजन मॉडल कमिंस 6BT5.9C है और इसका इंजन टाइप 6 सिलेंडर इनलाइन वाटर कूलर टर्बो चार्जर है। इस इंजन का पिस्टन बोर साइज 102 mm है और इस इंजन का स्टॉक 120 mm है। इस इंजन का डिस्प्लेसमेंट 5,800 cc है। इस इंजन का मैक्सिमम ग्रॉस पावर 140 HP एंड 104 kV 2000 RPM के साथ पावर प्रदान करता है और इस इंजन का नेट ग्रॉस पावर 136 HP एंड 101 kV 2000 RPM के साथ पावर प्रदान करता है। इस इंजन का मैक्सिमम टॉर्क 17.6 kg 417 lb/ft 1600 RPM के साथ देती है। इस इंजन का वाल्व क्लियरेंस इनलेट वाल्व एडजस्टमेंट 0.25 mm है और एग्जॉस्ट वाल्व एडजस्टमेंट 0.51 mm है। इस इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप बोस कंपनी का लाइन फ्यूल पंप लगा हुआ है। इस फ्यूल पंप का फ्यूल सिस्टम फ्यूल ट्रांसफर पंप मैक्सिमम इनलेट रिट्रेक्शन 100 mm है। फ्यूल ट्रांसफर पंप आउटलेट प्रेशर एट रेटेड स्पीड। डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल इंजेक्शन पंप मैक्सिमम प्रेशर 70 kPa/10 psi है और फ्यूल लाइन इंजेक्शन पंप मैक्सिमम प्रेशर 172 kPa/25 psi है। फ्यूल फिल्टर रिट्रेक्शन मैक्सिमम ड्रॉप प्रेशर अक्रॉस फिल्टर 35 kPa/5 psi है। फ्यूल रिटर्न लाइन रिट्रेक्शन मैक्सिमम 518 mm है। इस पंप का फायरिंग ऑर्डर टाइमिंग 1.5-3-6-2-4 है। इस इंजन में लूप एल कैपेसिटी 21 लीटर है। इसका लूप एल ग्रेड C4 15W40 है। इस लूप एल प्लस लूप एल फिल्टर को हर 500 घंटा के अंदर चेंज करने का सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करता है। इस इंजन को ठंडा करने के लिए कूलर वाटर कैपेसिटी 35 लीटर है। इस इंजन का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 340 लीटर है। इस इंजन का फ्यूल फिल्टर सर्विस हर 500 घंटा के अंदर चेंज करने का सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करता है। अब पावर एंड इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम का जानकारी। दोस्तों इस मशीन में पावर सप्लाई डीसी 24 वोल्ट 200 एम्पीयर सिस्टम है। इस वोल्ट को पूरा करने के लिए डीसी 12 वोल्ट 100 एम्पीयर का दो बैटरी लगा हुआ है। इस इंजन का स्टार्टिंग सिस्टम डीसी 24 वोल्ट 7.5 kW का सेल्फ स्टार्ट मोटर लगा हुआ है। इस इंजन में अल्टरनेटर 28 वोल्ट 120 एम्पीयर का लगा हुआ है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम का जानकारी। दोस्तों इस मशीन में हाइड्रोलिक पंप हुंडई कंपनी का हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। इसका हाइड्रोलिक पंप मॉडल K3V112DT सीरीज का पंप है। इसका पंप टाइप डबल एक्सल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पिस्टन पंप है। इस पंप का मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो दोनों पिस्टन मिलाकर 220 लीटर प्रति मिनट हाइड्रोलिक फ्लो करता है। इस मशीन का पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा गियर पंप लगा हुआ है। इस पंप का मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो 20 लीटर प्रति मिनट है। इस हाइड्रोलिक पंप का चेक वाल्व और इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम है जो डीसी 24 वोल्ट का सोलेनोइड लगा हुआ है। इस मशीन का हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 180 लीटर है और इसका पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम 290 लीटर है। इसका हाइड्रोलिक ऑयल ग्रेड 68 नंबर ग्रेड है। इस हाइड्रोलिक ऑयल को हर 5,000 घंटा के अंदर चेंज करने का कंपनी प्रोवाइड करता है। दोस्तों इस मशीन को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए हाइड्रोलिक फिल्टर पायलट फिल्टर और हाइड्रोलिक स्टेनर हर 1,000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस मशीन का ऑपरेट मोड 4 मोड है, एक हाई स्पीड मोड, एक स्लो स्पीड मोड, एक इको स्पीड मोड और एक ब्रेकर मोड। एच मोड ऑपरेट सिस्टम मैक्सिमम पावर एंड हाई स्पीड वर्क टाइम। एस मोड ऑपरेट सिस्टम बैलेंस पावर एंड फ्यूल एफिशिएंसी सिस्टम है। इको मोड ऑपरेट सिस्टम बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी सिस्टम है और ब्रेकर मोड ऑपरेट सिस्टम सेट पंप फ्लो टू ऑप्टिकल लेवल एंड बूस्ट एफिशिएंसी सिस्टम है। अब रिलीफ वाल्व सिस्टम का जानकारी। दोस्तों इस मशीन में मेन कंट्रोल वाल्व हुंडई कंपनी का पार्कर मॉडल कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। इस कंट्रोल वाल्व में सर्विस वाल्व प्रोवाइड किया हुआ है। इसका रिलीफ वाल्व वर्क सिस्टम इंप्लीमेंट सर्किट बूम सिलेंडर आर्म सिलेंडर और बोकर सिलेंडर वर्क करने के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर 330 kg का जरूरत होता है और रॉक ब्रेकर वर्क करने के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर 280 kg का जरूरत होता है। इस मशीन का पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर 35 kg का जरूरत होता है। अब स्विंग सर्किट सिस्टम का जानकारी। इस मशीन का स्विंग मोटर एक्सल पिस्टन मोटर विद फुल हाइड्रोलिक सिस्टम है और इसका स्विंग रिडक्शन डिवाइस पेनल्टी गियर रिडक्शन सिस्टम है। इसका स्विंग सर्किट कंट्रोल सिस्टम मल्टीवेट डिस्क विद इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम है। इस मशीन का स्विंग मोटर वर्क करने के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर 240 kg का जरूरत होता है। इस मशीन का स्विंग स्पीड देखा जाए तो प्रति मिनट 11 राउंड चक्कर लगा सकता है। इस स्विंग डिवाइस में गियर ऑयल कैपेसिटी 5 लीटर है। इसका गियर ऑयल ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है। इस गियर ऑयल को हर 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। अब ट्रेवल सर्किट सिस्टम का जानकारी। इस मशीन का ट्रेवल ड्राइव फुल हाइड्रोस्टिक टाइप है। इसका ट्रेवल ड्राइव मोटर एक्सल पिस्टन मोटर एंड शो डिजाइन सिस्टम है और इसका ट्रेवल डिवाइस पेनल्टी रिडक्शन गियर सिस्टम है। इसका ट्रेवल डिवाइस वर्क करने के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर 330 kg का जरूरत होता है। इस मशीन का ट्रेवल डिवाइस में गियर ऑयल कैपेसिटी 5.8 लीटर है एक साइड। इसका गियर ऑयल ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है। इस गियर ऑयल को हर 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इसका ट्रेवल डिवाइस ब्रेक सिस्टम मल्टीवेट डिस्क टाइप है। इसका ट्रेवल डिवाइस वर्क मोड 2 मोड है, एक हाई स्पीड मोड एक लो स्पीड मोड। इसका हाई स्पीड मोड ट्रेवल मार्चिंग 5.3 किलोमीटर प्रति घंटा है और लो स्पीड मोड ट्रेवल मार्चिंग 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अंडर करेज का जानकारी। इस मशीन का सेंटर फ्रेम एक्स लेग टाइप है और इस मशीन का ट्रैक फ्रेम पेंटागोनल बॉक्स टाइप है। इस मशीन में ट्रैक्सो प्लेट 46 पीस लगा हुआ है एक साइड। इसका ट्रैक्सो प्लेट साइज 600 mm है और इस मशीन में ऊपर रोलर 2 पीस लगा हुआ है एक साइड और इस मशीन में लोअर रोलर 7 पीस लगा हुआ है एक साइड। इस मशीन में ट्रैक गार्ड 1 पीस लगा हुआ है एक साइड। दोस्तों इस मशीन का केबिन फुल एसी केबिन है। इस मशीन का डिस्प्ले फुल डिजिटल सिस्टम डिस्प्ले है। इस मशीन का वर्किंग स्पीड देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से प्रति घंटा 20 से 25 हाइवा मट्टी लोडिंग कर सकता है। इस मशीन का काउंटर वेट 3,800 kg है और इस मशीन का कुल ऑपरेटिंग वेट 21,200 kg है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि वीडियो की जानकारी और किसी को मिल सके और
ऐसा कोई मशीनरी जानकारी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो।